हेलो बच्चों, मैं सुमित केडी आपके अपने चैनल सुमित केडी फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। और आपको पता है हम रेगुलरली आपके लिए फिजिक्स की क्लासेज लेके आते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको भी आपकी वीडियो डाली जाएंगी वो आपको मिलती रहे। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की हमारी क्लास में मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वेट स्टोन ब्रिज। वीटस्टोन ब्रिज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। वीटस्टोन ब्रिज आप सभी जानते हो कि वीटस्टोन आपके आईआईटी लेवल तक इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। आईआईटी जेई नीट सब जगह यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके अगर मैं अकेडमी की बात करूँ सीबीएसई में तो ये इंपॉर्टेंट है। हरियाणा बोर्ड वालों के लिए स्पेशली है, पेपर में आना ही आना होता है वीटस्टोन ब्रिज। और इसकी एक एप्लीकेशन होती है मीटर ब्रिज, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो आपकी आज की क्लास में समझ लो कि 5 नंबर का काम है, तो इस क्लास को मिस नहीं करना है, जरूर देखना है इसको, ठीक है बेटा। तो जैसे भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको टाइम मिले इसको जरूर देखना है। वीटस्टोन ब्रिज क्या है? वीट वीट मतलब गेहूं, पत्थर पुल है, पत्थर गेहूं पुल, ऐसा होगा नहीं। वीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने ये प्रिंसिपल दिया किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते एक अननोन रेजिस्टेंस बाय यूजिंग द 3 रेजिस्टेंस, ये उन्होंने बताया वीटस्टोन ने। तो इन्होंने क्या बताया, वीटस्टोन ने क्या कहा, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। इट इज द, लिखते चले जाना भाई, कॉपी पेन निकाल लेना, अरेंजमेंट, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टर, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टर या रजिस्टेंस, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टर यूज टू डिटरमाइन रजिस्टेंस इन टर्म ऑफ अदर थ्री रजिस्टर। ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन है कि ये अरेंजमेंट होता है कितने रेजिस्टेंस का, 4 रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट होता है जिसका यूज किया जाता है, कि इसका यूज किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए रेजिस्टेंस। 4 रेजिस्टेंस हमारे पास, 4 रेजिस्टेंस मिलेंगे, उनमें से एक आपको मिसिंग मिलेगा और उन तीन की सहायता से हम उसको निकाल सकते हैं। ये वीटस्टोन ब्रिज था भाई, क्लियर हो गई। वीटस्टोन ब्रिज कैसा होता है, अगर मैं इसका फिगर बनाना चाहूं तो फिगर बना रहा हूं, देखिए तो कुछ इस प्रकार से फिगर है। ये 4 अरेंजमेंट है, आप देखोगे, तब तक मैं आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूं वीटस्टोन ब्रिज का जो फिगर है वो साइड में स्क्रीन पे लग रहा है और मैं इधर से बना देता हूं। ये हमारे पास ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, इसमें हमने रेजिस्टेंस लगाए यहाँ यहाँ और यहाँ, 4 रेजिस्टेंस लगाने के लिए कह रहा है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस लगाए, ये हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है। इसका नाम दिया गया पी, इसका नाम दिया गया क्यू, इसका नाम दिया गया आर, इसका नाम दिया गया एस। ये पी क्यू आर एस 4 रेजिस्टेंस है, जैसे कि आपको डेफिनेशन में बोला था 4 रेजिस्टेंस है। और एक बात और बता देता हूँ, इसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर जोड़ रखा है। क्या जोड़ रखा है भाई, गैल्वेनोमीटर जोड़ रखा है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, ये हल्का सा भी जो करंट होगा उसको भी क्या कर लेगा, सेंस कर लेगा उसको, यानी कि हल्का सा भी मामूली सा भी करंट आएगा तो ये हल्का सा भी करंट आने की वजह से इसमें क्या दिखा देगा, हल्का सा डिफ्लेक्शन दिखा देगा, तो हमें पता लग जाएगा कि करंट आ जाएगा, क्लियर होगी बात। तो गैल्वेनोमीटर का काम होता है सेंस करना किसको, करंट को, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब करना क्या है, ये हमारा क्या, देखो इसके बारे में मैं कंस्ट्रक्शन लिख देता हूं, इसकी कंस्ट्रक्शन लिख देता हूं, कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे हैं हम, कंस्ट्रक्शन। कंसिडर फिगर गिवन बिलो, जो फिगर गिवन बिलो है उसको देखिए, विच इज एन अरेंजमेंट
O of A, which is an arrangement O of A, resistors and it is used, yeah, it is known as Wheatstone Bridge. ये है भाई कि ये फिगर आपको दिख रहा है, इस अरेंजमेंट आपको जैसा दिख रहा है ना, ये अरेंजमेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, Wheatstone Bridge बोलते हैं. क्लियर हो गई. अब इसकी कंस्ट्रक्शन में आप देखोगे कि यहां से अगर हम इसको समझाए तो मैं, आप लिख लेना, आप ध्यान से समझिए इसको. इसका पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया हमने, चलो ई दे दिया, ईएमएफ दे दिया इसको, कि जैसे हम की को ऑन करते हैं तो करंट यहां से जाता है, करंट यहां जाने के बाद में यहां से डिवाइड होता है. चलो मैं मान लेता हूं यहां से करंट क्या होगा, आई, यहां से गया आई वन, यहां से गया आई टू. गैल्वेनोमीटर में से करंट जाएगा उसको हम नाम देंगे आई जी. अगर यहां से आई टू जा रहा है, यहां से आई टू जा रहा है, यहां से आई जी जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में कितना करंट जाएगा, तो आप सभी जान गए होंगे, आई टू प्लस आई जी. यहां से आई जी करंट गया, यहां से आई टू, तो आई टू प्लस आई जी. तो इस सर्किट में कितना करंट जाएगा, तो देखो यहां से आई वन जा रहा था, इसमें से आई जी चला गया, आई वन में से आई जी चला गया, तो जितना बच गया, जैसे मान लो यहां से आई जी में से करंट जा रहा है हाफ एम्पियर का, यहां से जा रहा था टू एम्पियर का, तो यहां कितना बच गया, टू माइनस का हाफ, तो डेढ़ एम्पियर बच गया ना यहां पे. तो वही बात है कि आई वन में से आई जी को घटा देंगे तो ये बच जाएगा ये वाला करंट. और जब यहां से ये आएगा और ये दोनों प्लस होके इस डायरेक्शन में आएंगे, देखो आई जी प्लस का है और आई जी यहां पे माइनस का, कट जाएगा आई वन प्लस आई टू. आई वन प्लस है, आई टू किसके बराबर होता है, आई का, तो इसका मतलब आई करंट यहां से वापस आ जाएगा. ये आप देख सकते हो. क्लियर हो गई. अब हम एक बात और बता देते हैं आप लोगों को कि जो ये अरेंजमेंट है कि जब हम इस प्रेस करते हैं की को, तो ध्यान दीजिए, गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन. क्या लिख रहा हूं मैं, ऑन प्रेसिंग की, ऑन प्रेसिंग की गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन. जब हमने इस की को ऑन करा, हमने मान तो लिया अपनी मर्जी से कि आई जी करंट जा रहा होगा, लेकिन जब हमने इस की को प्रेस किया तो गैल्वेनोमीटर ने क्या नहीं करा, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करा. इसका मतलब क्या हो गया कि आई जी में करंट नहीं जा रहा. सीधी सी बात है कि जब हमने इसको ऑन करा तो गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करा, और इसका मतलब हो गया ये कि इसमें से कोई करंट नहीं जा रहा, करंट नहीं जा रहा ना, तो हम इसको क्या कहेंगे, दिस कंडीशन इज नोन एज बैलेंस्ड. दिस कंडीशन इज नोन एज बैलेंस्ड, या हम ये कह सकते हैं कि जो ये कंडीशन है जब करंट शो नहीं कर रहा, तो ये जो Wheatstone Bridge है वो कैसा है, बैलेंस है. क्या कह सकते हैं कि जो Wheatstone Bridge है वो क्या है, बैलेंस्ड है भाई. क्या है, बैलेंस्ड है भाई. तो आपको ये पता लग जाना चाहिए कि जब कोई करंट गैल्वेनोमीटर में से शो नहीं कर रहा, तो जो Wheatstone Bridge है वो कैसा है, बैलेंस है. यहां तक क्लियर हो गया कि जब हम करंट को, यहां से देखो चार अरेंजमेंट दिख रहे, पी क्यू आर एस, दोनों को जब हमने एक ईएमएफ दिया, तो आप देख सकते हो बी और डी के बीच में हमने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, और इसके जो ए और सी से हमने क्या जोड़ रखा है, एक ईएमएफ है, बैटरी को, सेल को जोड़ रखा है, जिसका ईएमएफ है ई है. जब हमने इसको जोड़ा और करंट को ऑन करा, तो गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करा. इसका मतलब ये कैसी कंडीशन आ गई, बैलेंस कंडीशन आ गई. मतलब कि आपका जो Wheatstone Bridge वो कैसा है, बैलेंस है. अब आपसे क्वेश्चन ये भी बनता है यहां से कि ये करंट क्यों नहीं फ्लो कर रहा, तो हम कह सकते हैं गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन. गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, इट मीन्स नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर भाई. गैल्वेनोमीटर, नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर भाई. तो इसका मतलब हो गया गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट नहीं जा रहा. Thus, we can say that the potential of VB, the potential of B is equal to potential of D. ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए भाई. क्या बताया कि जो पोटेंशियल है
बी का वो किसके बराबर हो गया, डी का बराबर हो गया। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है कि जो पोटेंशियल होता है बी का और डी का कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डी है सॉरी भाई, यहां पे क्या है, डी है। ये क्या होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप सभी जानते हो कि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल भाई, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये आपके दिमाग में है, ये बातें सभी को पता है कि ऑलवेज करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अगर बी और डी का पोटेंशियल, बी और डी का पोटेंशियल सेम होगा, तो यानी कि दोनों का अगर मान लो 5-5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो दोनों का बैलेंस हो गया कि नहीं हो गई। तो जब आप पोटेंशियल में डिफरेंस ही नहीं आएगा, मतलब एक हायर और एक लोअर पोटेंशियल ही नहीं आएगा, तो करंट कैसे फ्लो कर सकता है। तो यहां से उन्होंने ऑब्जर्व करा कि जब हमने प्रेस करा की को, तो यहां से गैल्वेनोमीटर में से करंट नहीं जा रहा, गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये हो गया, ये कंडीशन जब करंट नहीं शो करता है तो कौन सी कंडीशन कहलाती है, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन कहलाती है। और जब डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, इससे क्या पता लगा व्हीटस्टोन को, क्या पता लगा, उन्होंने कहा कि कोई करंट उसमें से फ्लो नहीं कर रहा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या पता लगा कि इसके अंदर से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। और अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा तो क्या कंडीशन हो सकती है भाई, देखो करंट यहां से तो जा रहा है लेकिन इसमें क्यों नहीं शो कर रहा, इसका मतलब ये हो गया कि जो पोटेंशियल बी है और पोटेंशियल डी है वो दोनों क्या है, इक्वल है। और जब तक हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल नहीं मिलेगी, करंट फ्लो कर ही नहीं सकता। मानते इस बात को कि जब तक हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल का जोड़ेंगे नहीं, करंट नहीं बन सकता। तो दोनों का बैलेंस क्या है, दोनों का जो पोटेंशियल हो क्या है, बैलेंस कंडीशन में, इसलिए करंट नहीं जा रहा है। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद में देखिए, अब अगर ये केस है तो उन्होंने बताया, व्हीटस्टोन ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर ये केस होता है कि पोटेंशियल बी और डी बराबर है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, तो कंडीशन ये रहेगी, उसकी कंडीशन ये रहेगी, पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। ये रहेगा भाई, क्या कंडीशन रहेगी, P by Q इज इक्वल टू R by S, या हम कह सकते हैं P by R इज इक्वल टू Q by S। बात एक ही है, देखो ये इधर चला जाएगा, ऐसे भी तो कह सकते हैं P by R इज इक्वल टू Q by S, ये भी एक ही बात है क्योंकि इसको इंटरचेंज ही कराया गया है। P by Q इज इक्वल टू R by S, ये इन्होंने बताया। दोबारा से समझ लो कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, ये अरेंजमेंट होता है चार रेजिस्टेंस का, जैसे कि फिगर में दिख रहा है, और इसका काम क्या होता है, फाइंड ए अननोन रेजिस्टेंस बाय यूजिंग द अदर थ्री रेजिस्टेंस। मतलब एक रेजिस्टेंस, चार रेजिस्टेंस में से एक का नहीं पता, इन देखो ये चार रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, इनमें से देखो P Q R S ये दिख रहे हैं, इनमें से अगर एक का नहीं पता तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके चौथे का निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये था व्हीटस्टोन ब्रिज का डेफिनेशन कह सकते हैं हम इसको। फिर उसकी कंस्ट्रक्शन में आप फिगर बनाओगे, उसमें लिखोगे कि एक फिगर आपको गिवन बिलो है और उसमें चार रजिस्टर है इस तरह से, और इसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। बाद में अब इसमें जैसे कि फिगर में दिख रहा है क्या करना है, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन में है कि ऑन प्रेसिंग द की गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन, करंट डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है यहां पे, इसका मतलब कि जो बी और डी का पोटेंशियल क्या है, सेम है। और जब ये बैलेंस होगा तो उसकी कंडीशन ये रहेगी, पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। आप कहोगे जी ये कहां से लेके आए, इसको हम प्रूफ करने वाले हैं वर्किंग के अंदर, इसकी वर्किंग यानी कि जिसको डेरिवेशन बोलेंगे वर्किंग, ये पूरा एक में रहेगा वर्किंग, वर्किंग में आपको ये प्रूफ करके दिखा देंगे, P by Q is equal to R by S। शुरू करते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं, उतारना चाहो उतार लो भाई एक बार, है पॉज करके उतार लो भैया, पॉज करके उतार लो, उतार लिया, पॉज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे मिटा रहा हूं, आप इसको पॉज करके उतार सकते हो। अब हमें इसको प्रूफ करने वाले हैं कि जो P by Q है वो R by S के बराबर है। यहां तक की सारी बातें अगर समझ में आ गई तो हमें क्या प्रूफ करना है यहां पे, अभी P by Q इज इक्वल टू R by S, ये हमें प्रूफ करके लाना है क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ याद आ जाना चाहिए, करवा चुका हूं मैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ भाई, क्या बताया था, किरचॉफ वोल्टेज लॉ भाई, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है, देखिए आपको बताया था कि सम ऑफ द पोटेंशियल अराउंड ए क्लोज लूप इज जीरो, क्या बताया था, सम ऑफ द पोटेंशियल अराउंड ए क्लोज लूप इज जीरो। तो आप बोलोगे जी कैसे, आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ में, सबसे पहले तो आपको करंट ला लगाना पड़ता है, केसीएल, तो केसीएल तो हमने लगा दी, देखो डायरेक्शन हमने पहले ही बता दी थी आपको कि किधर से किधर जा रहा है। अब दूसरे नंबर पे सेकंड ला लगाना पड़ता है किरचॉफ का, कैसे लगाओगे, देखिए मैंने आपको सारे रूल बताए हुए थे, सबसे पहले आपको लूप डिसाइड करनी है, तो लूप ले रहा हूं मैं, ए लूप ए बी डी
ए, ये हमने लूप ले ली भाई, क्या ले ली, लूप ले ली, लूप कौन सी ली, ए बी डी ए, यहां तक क्लोज हो गई। अब चलते हैं इसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ याद करिए, देखिए मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, करंट की डायरेक्शन में जाने के लिए तो आई वन पोटेंशियल लेना है ना, तो वी इक्वल टू आई इंटू आर, याद होगा आप लोगों ने पुरानी क्लास देखी, आई इंटू आर, आर कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, पी। लेकिन मैंने आपको बताया था जब करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो कैसे लेते हैं, माइनस लेते हैं, सभी को क्लियर है कि जब करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो कैसे लेते हैं, माइनस लेते हैं। मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं तो करंट की डायरेक्शन हो गई, और जब हम करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो केवीएल में बताया था कि माइनस लेना है, तो ये हो गया आई वन, और इसका रेजिस्टेंस कितना ले रखा है, पी, तो हो गया। उसके बाद में गए इसमें तो माइनस का आई जी, करंट की वैल्यू हो गई आई जी, और इसका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को क्या मान रखा हमने, जी मान रखा है, यहां तक क्लियर हो गई भाई जी। उसके बाद में वापस गए अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम प्लस लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, तो हमारे पास आया आई टू इंटू में आर इज इक्वल टू जीरो, हो गया सर्किट कंप्लीट। ध्यान दो, यहां से गया फिर ऐसे गए इसे गए, करंट की डायरेक्शन में जाने के लिए बताया था माइनस लेना है, तो करंट की डायरेक्शन के लिए आई वन इंटू पी, फिर करंट की दोबारा डायरेक्शन में गए तो फिर माइनस ले लिया हमने आई जी इंटू जी, अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, और सम ऑफ द इक्वल टू जीरो, यही केवीएल ला था। जिसको याद नहीं है पुरानी क्लास जरूर देख ले, वहां पर आपको एकदम कवर करवा रखा है। अब आपको पता है आई जी क्या कर रहा है, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, तो मतलब करंट ये बैलेंस कंडीशन है, तो ये एक आइडल बैलेंस कंडीशन है कि इसमें से करंट नहीं जा रहा, गैल्वेनोमीटर इज नॉट शोइंग एनी टाइप ऑफ ए डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा, तो आईजी क्या हो गया, जीरो हो गया, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, जीरो। तो यानी कि मैं लिख सकता हूं ये माइनस वाला इधर चला गया तो प्लस का हो जाएगा, तो यानी कि मैं लिख सकता हूं आई वन पी इज इक्वल टू आई टू आर, बताओ ये कंडीशन आई या नहीं आई, माइनस का इधर आके प्लस का, तो आई वन पी इज इक्वल टू आई टू इंटू आर, यहां तक क्लियर हो गई, पहली कंडीशन आपकी बन चुकी है। उसके बाद में अब हमें दोबारा से लूप डिसाइड करनी है, अगेन लूप डिसाइड करते हैं, लूप कौन सी ले लूं, बी सी, बी सी डी किरचॉफ लॉ लगाना है, बी सी डी, और दोबारा से गए बी के पास भाई, क्लियर हो गई। आपको अगेन दोबारा से लूप डिसाइड करनी, दोबारा बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, जो नहीं समझ में आए मेरे को कमेंट करके बताना, बी सी डी बी, ये लूप ले ली हमने सेकंड वाली, जिन्होंने किरचॉफ वोल्टेज ला नहीं देखा उनको नहीं आएगी, क्योंकि फिर भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो उस क्लास को जरूर देखना भाई। तो लूप ले ली हमने बी सी डी बी, अब आपका मर्जी है, मैंने आपको बताया था जी आप क्लॉकवाइज जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाओ। चलो मैं मान लेता हूं ये वाला रास्ते से जा रहा हूं, मैं किस रास्ते जा रहा हूं, इस वाले रास्ते से जा रहा हूं, चले जाऊं बी से सी की तरफ जा रहा हूं, तो देखिए क्या हो जाएगा, रास्ते में करंट की डायरेक्शन जाने के लिए माइनस, करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस आई वन माइनस का आई जी, आई वन माइनस का आई जी, देखो डायरेक्शन में गए ना, इनटू में इसका रेजिस्टेंस कितना है, क्यू भाई, आई वन माइनस का आई जी गए इनटू में क्यू, माइनस का निशान लगा रखा है बाहर। उसके बाद में देखिए करंट के अपोजिट जा रहे हो तो क्या लेना है, प्लस लेना है, आई टू, आई टू प्लस, आई टू प्लस आई जी, आई टू प्लस आई जी इनटू में एस, यहां तक क्लियर हो गया। फिर गए अपोजिट डायरेक्शन में, फिर प्लस लेना है आपको आई जी इंटू में जी इज इक्वल टू में जीरो, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। डायरेक्शन में गए तो माइनस लिया, अपोजिट गए तो प्लस लिया, फिर अपोजिट गए तो फिर दोबारा प्लस लिया, तो वही दोबारा से कंडीशन आ गई कि जो आई जी है हमारा वो तो कितना है, जीरो है। तो आई जी अगर जीरो है तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जीरो हो जाता है, आई जी जहां जहां है वो काट दो, तो यानी कि बच गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का आई वन इंटू में क्यू प्लस आई टू इंटू में एस, ये जीरो हो चुका, इक्वल टू में जीरो, माइनस का उधर आके प्लस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो यानी कि प्लस का होने के बाद में आई वन इंटू में क्यू, और ये इधर चला गया मान लो माइनस में हो गया, और ये माइनस का तो माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि आई टू इंटू में एस, बोलो समझ में आया नहीं आया, या तो इसको इधर लेके जाओ प्लस का, तो बात है कि इधर उधर कैसे भी करके आप अरेंज इसको कर लोगे, यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से, प्लस माइनस सबको आते हैं। आई वन क्यू इज इक्वल टू आई टू एस, बोलो कोई समस्या आ रही है, नहीं आ रही, चलते हैं। अगर इक्वेशन वन और इक्वेशन नंबर टू को डिवाइड कर दूं, मैं डिवाइड कर रहा हूं भाई, यहां पे क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड, चलो उधर लिख देता हूं मैं, आगे देखोगे तो डिवाइड कर रहा हूं मैं इक्वेशन को, डिवाइड डिवाइड कर रहा हूं इक्वेशन नंबर वन एंड टू को, वी गेट क्या मिलेगा मैं, अगर मैं इक्वेशन नंबर वन और टू को डिवाइड करूंगा तो देखिए क्या आ जाएगा, रेड पेन से लिख देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए क्या आ जाएगा, देखिए आई वन पी इज इक्वल टू आई वन, आई वन पी इज इक्वल टू आई टू आर, डिवाइड कर दूंगा इसके तो अपोन में आई टू क्यू
सॉरी आई वन क्यू, आई वन क्यू इज इक्वल टू आई टू क्यू, ये आपका आया। देखो पी आई वन से आई वन कट गया, आई टू से आई टू कट गया, तो क्या आया आपका पास, आपके पास मिला क्या मिला भाई, पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, यही तो हमें प्रूफ करना था। तो आप देख सकते हो ये आपने डिवाइड करके यहां आपने थोड़ा सा इसके नीचे लिख लिया भाई, तो जब इक्वेशन नंबर वन और टू को डिवाइड करा तो ये आ गया पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। तो हमने ये डेरिवेशन बिल्कुल कवर कर ली है, थ्री मार्क्स की डेरिवेशन है, ये थ्री मार्क्स की डेरिवेशन है। आपके अकेडमिक की बात करूं ट्वेल्थ में स्पेशली बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, अच्छे से करना, किसी को नहीं आई तो बता देना। अब हम क्या करने वाले हैं भाई, अब व्हीटस्टोन ब्रिज की एक एप्लीकेशन है, यानी कि इसका एक प्रैक्टिकल फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं मीटर ब्रिज, इसकी एक प्रैक्टिकल फॉर्म होती है, नाम है मीटर ब्रिज। क्या नाम है, मीटर ब्रिज, भी इसको मीटर ब्रिज बोलते हैं इसकी प्रैक्टिकल फॉर्म को, वो हम करने वाले हैं, उसको भी आपको करना है। तो अब चलेंगे मीटर ब्रिज पे, जिन्होंने नहीं उतारी है वो उतार लो पोज करके भाई, मैं मिटा देता हूं। तो अब गैल्वेनोमीटर आपको आ चुका है पी बाई क्यू इजिकल टू आर बाई एस, अब व्हीटस्टोन ब्रिज तो इन्होंने बना दिया लेकिन प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल होगा, तो उसको देखिए भाई, थोड़े दिन बाद में मैं इसके एक्सपेरिमेंट की वीडियो भी डाल दूंगा। नाम है मीटर ब्रिज भी, क्या नाम है, मीटर मीटर ब्रिज भी। ठीक है, मीटर ब्रिज भी, तो मीटर ब्रिज को हमें करना है आज, व्हीटस्टोन ब्रिज का जैसा ये उसी की एक एप्लीकेशन है, ये प्रैक्टिकल फॉर्म कह सकते हैं इसको, हमें प्रैक्टिकल फॉर्म है भाई। तो हम शुरू करते हैं मीटर ब्रिज, तो और व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में एक बात और बता देता हूं कि वो नल पॉइंट पे काम करता है, मतलब जहां पे गैल्वेनोमीटर सोज नो डिफ्लेक्शन, यानी कि उस पर करंट का इफेक्ट नहीं रहता ना, सिर्फ ओनली रेजिस्टेंस की बात होती है उसमें। तो मीटर ब्रिज के बारे में मैं डेफिनेशन लिखूंगा, मीटर ब्रिज के बारे में डेफिनेशन लिखने वाला हूं, लिख लो भाई, लिखो ए स्लाइड वायर ब्रिज इज दी, ए स्लाइड वायर ब्रिज इज दी प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ, प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ स्लाइड वायर ब्रिज इज दी प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, उसकी प्रैक्टिकल फॉर्म होती है भाई स्लाइड वायर ब्रिज, इसको मीटर ब्रिज का नाम एक और है स्लाइड वायर ब्रिज, और ये एक प्रैक्टिकल फॉर्म होती है किसकी, व्हीटस्टोन ब्रिज की भाई। क्लियर हो गई, ठीक बेटा। तो उसके बाद में अब हम इसके फिगर बना रहा हूं आपके सामने, देखिए फिगर किस तरह से है। इसमें क्या होता है, एक वायर होता है भाई, इसकी कंस्ट्रक्शन में हम लिख भी देंगे, एक वायर होता है आप लोगों ने देखा होगा, नीरोन नहीं देखा होगा, फिगर मैंने लगा दिया साइड में। ये जो वायर आपको दिख रहा है ये वाला, ये एक मीटर का है, कितने का है, एक मीटर का, लेकिन हम जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो सेंटीमीटर में ही लेंगे, टेंशन मत लो। ये एक मीटर का वायर है, वन मीटर, वन मीटर का मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर का है ये भाई, कितने का है 100 सेंटीमीटर का ये वायर ले रखा है, और यहां से हमने मेटल की स्ट्रिप लगा रखी है, ये लो मेटल की स्ट्रिप, यहां एक मेटल की स्ट्रिप लगा रखी है, आप लोगों ने देखा होगा फिगर में भी दिख रहा है आपको जहां साइड में, ये मेटल की स्ट्रिप लगा रखी है इस तरीके से, ठीक बेटा। और इसी प्रकार से यहां ये मेटल की स्ट्रिप लग रही है एल शेप में, हो गई ये आपका, हो गया भाई ये मेटल की स्ट्रिप है, कोई अच्छा कंडक्टर बनाना तो कॉपर का भी यूज कर लेते हैं, अदरवाइज कोई मेटल ले लेते हैं, जो बड़ा अमीर आदमी है वही चांदी की भी लगा लेगा क्योंकि बढ़िया कंडक्टर माना जाता है, ठीक है। और उसके बाद में यहां एक गैप छोड़ रखा है बीच में, इसमें क्या करना है, इसमें आप देखोगे तो यहां एक पॉइंट है, इनके बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रखा होता है, क्या लगाना होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स, आपको रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है उसका फिगर भी साइड में देख लो, लगा रखा है रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स वो होता है जिसमें फिक्स होता है, क्योंकि देखो बेटा जब तक हमने कहा चार रेजिस्टेंस में से हमें एक का निकालना है, यही तो बात बताई थी कि चार रेजिस्टेंस हमारे पास होंगे उनमें से तीन का मिलेगा, एक का निकालना है, अगर ये वैल्यू हमें नहीं पता होगी तो कैसे निकालेंगे इसका, मानते हो ना इस बात को, इसीलिए हमने क्या करना है कि ये रेजिस्टेंस बॉक्स लेना है, उसमें फिक्स होता है भाई, एक निकाल दो, एक ओम का निकाल दिया, दो ओम का निकाल दिया, पांच ओम का निकाल दिया, उसमें जो बॉक्स आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, उसमें से इस तरह से निकालते रहो, निकालते रहो, उस हिसाब से आपका रेजिस्टेंस इसमें आता रहेगा, तो आपको पता रहेगा, यानी कि इसको बोल सकते हैं नॉन रेजिस्टेंस, ये क्या है, नॉन रेजिस्टेंस है, क्या है ये, नॉन रेजिस्टेंस भाई, इसको बोलते हैं नॉन रेजिस्टेंस भाई,
मतलब जिसकी वैल्यू अपने को पता है। क्लियर हो गई, ये क्या है, नॉन रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बॉक्स इसको हम लगाते हैं। यहां की अगर बात करूं, यहां और यहां, यहां एक लगाया जाता है संट रेजिस्टेंस एस, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं, इस एस को क्या बोलते हैं, अननोन रेजिस्टेंस। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी, अननोन रेजिस्टेंस भाई, इसको बोलते हैं अननोन रेजिस्टेंस। ये आपको बोला जा रहा है अननोन रेजिस्टेंस, मतलब जिसकी वैल्यू अपने को निकालनी, कोई भी वायर जोड़ सकते हो। हाँ, एक बात और बता, जो ये एक मीटर का आपने वायर लिया ना यहां से लेकर यहां तक, इसका बारे में आपको मैं बता देता हूं कि क्या है, ये किसका वायर लेना है। तो भाई ये अच्छा मटेरियल है, होता है मैंगनीन का, मैंगनीन का ले लो या फिर कॉन्स्टानन का ले लो, कॉन्स्टेंटन का ले लो। मैंगनीन और कॉन्स्टेंट का इसलिए लेते हैं क्योंकि ये ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, जब करंट फ्लो करता तो ज्यादा इतनी जल्दी ये हीट नहीं होता, तो हीटिंग इफेक्ट पे काम नहीं करता, करता है हल्का फुल्का हीट होता है लेकिन इतना नहीं होता जितने कि और कंडक्टर आपके होंगे। इसलिए आपको क्या लेना है, ये वायर अलॉय लेना है भाई, क्या लेना है, अलॉय लेना है। किसका बना होना चाहिए, मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन का बना होना चाहिए भाई। क्लियर हो गई बात, एक मीटर का वायर लिया और ये मेटल स्ट्रिप हो गई, इसमें रेजिस्टेंस बॉक्स, इसमें संट लगा दिया, यानी कि अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया। अब आपको करना क्या है, यहां एक बीच में एक मिड पॉइंट और है, उसको हमें गैल्वेनोमीटर से जोड़ना है। क्या करना है, गैल्वेनोमीटर से जोड़ना है, और दूसरा एंड है गैल्वेनोमीटर का, वो किससे जोड़ना है भाई, जॉकी से जोड़ना है। किससे जोड़ना है, जॉकी, किसे, जॉकी से, जॉकी फिगर में देख लो, जॉकी दिखा दिया, ये जॉकी है भाई, देख लिया फिगर में, तो ये क्या है, जॉकी है भाई, तो ये जॉकी से जोड़ना है भाई। यहां तक क्लियर हो गया, तो ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन की बारे में बात, क्या था ये, कंस्ट्रक्शन थी, कंस्ट्रक्शन, ये क्या थी भाई, कंस्ट्रक्शन थी, जिसको हम कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं, प्रिंसिपल की सिद्धांत, तो आपको बता चुका हूं, इट इज बेस्ड on the principle of Wheatstone Bridge, Wheatstone Bridge, उसी के principle पे काम करता है, और वो क्या था, P by Q is equal to R by S, इसी principle पे ये काम करता है। Construction हो गई, सबसे पहले आप ये definition लिख देना, फिर principle लिख देना, या फिर ये पहले construction लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन ये प्रिंसिपल आपको पूछा जाए तो डायरेक्टली भी पूछ सकता है कि भाई मीटर ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम कर सकता है, तो बोलोगे व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम कर सकता है, और ये फॉर्मूला लिख देना, P by Q is equal to R by S, जो हमने प्रूफ करके दिखाया था। कंस्ट्रक्शन में हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस बॉक्स एस, और ये हो गया हमारा। अब क्या करना है, ये जो टर्मिनल, इनका नाम दे देता हूं मैं, चलो इसका नाम दे देता हूं ए, यहां लिख देता हूं ए, इसका नाम दे देता हूं मैं बी, या बी, इसका नाम दे देता हूं सी, इस पॉइंट का, और इस जहां ये टच करेगा ना जॉकी, उसको देंगे जी, डी, ए बी सी और ये डी, जहां ये वायर को टच करेगा भाई, जहां ये वायर को टच करेगा। अब अपने को क्या देना है, इसको पोटेंशियल डिफरेंस देना है, तो हमने क्या करा, एक बैटरी ली, उसको इससे टच करवा दिया भाई। कई किताबों में ऊपर मिल जाएगा, कोई में नीचे मिल जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका ईएमएफ हमने ई ले लिया भाई। यहां तक क्लियर हो गया, अब आप इसको कंपेयर करिए, जब यहां से करंट गया तो देखो, एक करंट तो इस डायरेक्शन में गया, एक करंट इस डायरेक्शन में गया, एक आर आ गया, कुछ रेजिस्टेंस इसमें आएगा, फिर उसके बाद में वो करंट यहां से गया और उसके बाद में यहां से, तो ये आपको फिगर वैसा ही, इसको एक बार कंपेयर करके देखिए, ये ऐसा कैसा फिगर दिख रहा है, यहां से करंट डिवाइड हुआ ना, देखिए जहां से करंट डिवाइड हुआ, मान लो ये बाहर था ईएमएफ, जब ये यहां से गया, करंट डिवाइड हुआ दो रास्तों में, एक ये गया और एक ये गया, यहां ये देखो रेजिस्टेंस बॉक्स दिख रहा है आपको, यहां नीचे ये एडी से, मैं मान लेता हूं इसको एडी रेजिस्टेंस दे रखा है, उसके बाद में ये बीच की कंडीशन आ गई, ये वाली सी वाली कंडीशन, और ये आ गई डी की कंडीशन, और यहां क्या जोड़ रखा, गैल्वेनोमीटर, उसके बाद में यहां आ गया एस, और यहां आ गया आपका जेबी, हो गया, और ये देखिए सेम बन रहा है, ये वही है मीटर ब्रिज, किसकी है, व्हीटस्टोन ब्रिज की जैसी शेप है इसकी, कोई अलग नहीं है, आप इसको दिमाग से थोड़ा सा सोचोगे तो वही शेप मैंने आपको दिखा भी दी प्रूफ करके। क्लियर होगी बात, तो मैं इसको मिटा देता हूं, तो इस प्रकार से हमें यह पता लग गया कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, कोई नई चीज नहीं है। अब अपने को करना क्या, एक चीज और नोट कर लेना भाई, कि जो आर है, आर स्मॉल आर ले लेता हूं, इज, एक ये नोट कर लेना भाई, आर इज द रेजिस्टेंस
आर इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट सेंटीमीटर भाई, पर यूनिट सेंटीमीटर भाई, क्लियर हो गई। आर इज द स्मॉल आर इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट सेंटीमीटर, क्लियर हो गई। यहां तक ये अभी काम आएगी, मैं बता देता हूं क्या है। देखो अब अपने को इसको अप्लाई करना है, ध्यान दीजिए। आर बाई एस, ये तो आर बाई एस तो है ही अपने पास, इनका रेजिस्टेंस तो है ही। पी और क्यू में कितना रेजिस्टेंस है, यहां से यहां तक को बोल देते हैं हम पी, और यहां से लेकर यहां तक क्या बोल रहे हैं क्यू, यानी कि जे से लेकर बी तक को क्या बोलते हैं क्यू, और ए से लेकर जे तक डी तक को क्या बोलते हैं भाई पी, डी से लेकर बी तक को क्यू, ए से लेकर डी तक पी। यहां तक क्लियर हो गई। अब देखिए हमें सबसे पहले करना क्या होता है इसमें, देखिए प्रैक्टिकल समझा देता हूं। अपने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर रखा है, तो आप कह सकते हो वन एंड ऑफ द जो आपका मीटर ब्रिज आपको दिख रहा है, ए पॉइंट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द ईएमई बैटरी सेल ई, एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द बी पॉइंट, क्लियर हो गई। उसके बाद में हमने क्या करना, जॉकी को स्लाइड करना है लाइटली, इसके ऊपर से स्लाइड करवाना है, ए से बी की तरफ मूव करवाइए। सबसे पहले आप चेक कर लेना ए पे और बी पे, चेक कर लेना कि आपका गैल्वेनोमीटर काम सही कर रहा है। देखना कि एक साइड में करोगे, जैसे ए पे लेके आए तो एक साइड में डिफ्लेक्शन शो करेगा, फिर बी में ले आओगे तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, समझ रहे हो ना, कि गैल्वेनोमीटर का ये जो सुई होती है बीच में होती है, अगर एक साइड में रखोगे तो इतना नीचे चला जाएगा, दूसरी साइड में रखोगे दूसरे एंड पे तो इधर जाएगा, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में क्या करेगा वो डिफ्लेक्शन शो करेगा भाई, क्लियर होगी बात। तो उसके बाद में आपको धीरे धीरे इसके ऊपर से मूव करवाना है, मूव करवाने के बाद में आपको पता लगेगा कि एक ऐसी कंडीशन आएगी, एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पे गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, मतलब ये वाली कंडीशन आएगी कि जो आईजी होगा वो कितना आ जाएगा जीरो, वो कंडीशन हमें ढूंढनी पड़ेगी भाई अपनी मर्जी से, क्या करनी है उस कंडीशन को आपको अपनी मर्जी से ढूंढनी है पूरे वायर में घुमा घुमा के, आप चेक कर लेना भाई, क्लियर हो गई बात। क्या बताया कि जॉकी को आपको घुमाना है इधर से इधर, धीरे धीरे चेक करना है, सबसे पहले तो आपको चेक ही कर लिया कि आपका गैल्वेनोमीटर सही है या गलत है। उसके बाद में क्या करना है आपको कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन, मतलब आईजी क्या हो गया जीरो, गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन इसका मतलब करंट नहीं जा रहा, और करंट नहीं जा रहा तो आईजी क्या हो गया, यानी कि करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज जीरो। तो वो कंडीशन मान लो वो कहां आई है, इस पॉइंट पे आई है जिसका नाम हमने डी दिया था भाई, क्लियर हो गई। मान लो वो लेंथ कितनी है L, क्या मान लेते हैं L लेंथ मान लेते हैं, यहां से लेकर A से लेकर, A से लेकर और जो D पॉइंट हमने देखा था यहां तक की, A से लेकर D पॉइंट को हमने क्या मान लिया भाई L मान लिया, यहां तक क्लियर हो गई। तो बताओ J से ले D से लेकर B तक क्या आएगा, D से लेकर A से लेकर D तक हमने L लेंथ मान ली कि जहां पे भाई गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, ये वो पॉइंट है जहां पे गैल्वेनोमीटर शो जे नो डिफ्लेक्शन, तो इसका मतलब वो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन आ चुकी है, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज तभी काम करता है P बाई क्यू आर बाई एस कब होता है जब गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन, क्लियर हो गई। तो हमने ए से लेकर डी तक की पॉइंट को क्या मान लिया, मान लो 40 सेंटीमीटर थे, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, जो भी है वो लेंथ एल है, तो ये कितनी बच गई, तो टोटल कितना था 100, तो 100 माइनस का एल, यहां से लेकर डी से लेकर, डी से लेकर बी तक की जो है वो कितनी हो जाएगी 100 माइनस का एल, क्लियर होगी बात। ये लेंथ है और आपको बताया था, अब मैं पूछना चाहता हूं पी का रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इन वायर ए डी, रेजिस्टेंस इन वायर ए डी, रेजिस्टेंस इन वायर ए डी, या हम कह सकते हैं इसको पी भाई, तो कितना आएगा देखो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आर इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट सेंटीमीटर, आर एक यूनिट सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस है, तो टोटल लेंथ कितनी है L, R को मैंने क्या कर दिया L से मल्टीप्लाई कर दिया, स्मॉल R को L से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो R मान लो 0.5 है, एक सेंटीमीटर का पर यूनिट सेंटीमीटर, 0.5 ओम का रेजिस्टेंस एक सेंटीमीटर के लिए, तो मान लो ये 40 थी, ये कितनी है 40 है, तो 40 को 0.5 से मल्टीप्लाई करके तो टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे कितना आ गया 20 ओम का रेजिस्टेंस आएगा, तभी तो आएगा, समझ में आ गया, नहीं तो लेंथ निकल के आएगी, लेंथ नहीं लेनी है, लेंथ को पर यूनिट रेजिस्टेंस से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया हमारे पास कितना आ गया आर इंटू एल, रेजिस्टेंस की फॉर्म में ले आए, क्योंकि पी बाई क्यू आर बाई एस ये रेजिस्टेंस है, हम उसी फॉर्म में ले आए। इसी प्रकार से रेजिस्टेंस इन वायर, दोबारा लिख देता हूं मैं, रेजिस्टेंस इन वायर डी बी, इन वायर डी बी, या हम कह सकते हैं क्यू में कितना रेजिस्टेंस है, तो आर तो पर यूनिट के लिए कितनी बच गई 100 माइनस का एल भी, कितना आ गया 100 माइनस का एल, यहां तक क्लियर हो गई कि नहीं हो गई बताओ। अब क्या करना है हमें, फॉर्मूले में पुट करना है, हमारे पास जो व्हीटस्टोन की कंडीशन थी पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, तो आर बाई एस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पी की वैल्यू देखिए पी आर इंटू में एल अपोन में आर 100 माइनस का एल, देखिए आर से आर कट गया तो हमें वैल्यू मिली यहां से L अपॉन में 100 माइनस का L इज इक्वल टू आर बाई एस, ये हमारे पास वैल्यू मिल गई। हमें निकालना क्या था S अननोन रेजिस्टेंस, तो S की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ऊपर चला जाएगा ये इधर की साइड में चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे देखिए
तो ये हो जाएगा हमारे पास R इंटू 100 माइनस का L अपोन में L, ये आ गया संट का फॉर्मूला भाई। ये आपको फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस भी, टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला आपके पास आ चुका है। इससे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। तो आपको एक बार मैं दोबारा से बताया, तो मीटर ब्रिज स्लाइड वायर ब्रिज इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। जो आप स्लाइड वायर ब्रिज देख रहे हो, ये प्रैक्टिकल फॉर्म है किसकी, व्हीटस्टोन ब्रिज की। स्लाइड वायर ब्रिज इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब जो ये आपको दिख रहा है मीटर ब्रिज, ये प्रैक्टिकल फॉर्म है किसकी, व्हीटस्टोन ब्रिज की भाई। व्हीटस्टोन ब्रिज जो इससे पहले हमने डेरिवेशन पढ़ी है, उसके बाद में हम बात कर रहे हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। तो इसका प्रिंसिपल किस पे काम करता है, व्हीटस्टोन पे ही काम करता है। जो व्हीटस्टोन क्या कहता है, पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, इस पे काम करता है, पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, इस प्रिंसिपल पे काम करता है। फिर हमने क्या लिया, इसकी कंस्ट्रक्शन ली, कंस्ट्रक्शन में आपको पता है कैसे जोड़ दिया हमने, क्या लिया, एक वायर लिया जो कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन का लेना है, मैंगनीन का ले लो और उसको जोड़ दिया इसके टर्मिनल से, यहां मेटल स्ट्रिप से जोड़ रखा है, मेटल स्ट्रिप के एक जो खाली जगह है इसको हम बोल सकते हैं, उसमें रेजिस्टेंस बॉक्स और दूसरी के अंदर क्या लगा दिया, अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया। और फिर हमने क्या करा, बीच में जो सी पॉइंट है वहां से गैल्वेनोमीटर जोड़ा और दूसरे एंड को गैल्वेनोमीटर से किससे कनेक्ट कर दिया, जॉकी से कनेक्ट कर दिया। अब जॉकी को स्लाइड करवाना है वायर ए और बी के अक्रॉस करवाएंगे। जब आप अक्रॉस कराओगे तो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिसको हम नल पॉइंट बोलेंगे, क्योंकि ये मीटर ब्रिज भी उसी पे काम करता है, किस पे, नल पॉइंट पे। इसीलिए तो इसका फायदा है, नल पॉइंट पे काम करता है, इसका फायदा यह है क्योंकि इसमें गलतियां आने के बहुत ज्यादा कम चांस है, बहुत ही कम चांस मिलेंगे, इसमें गलतियां बहुत ही कम आएंगी, आ सकती है मैं नहीं कह सकता नहीं आएगी, हल्की फुल्की आएगी, बिल्कुल नए के बराबर आएगी। तो यहां से क्योंकि करंट सोई नहीं, करंट नहीं जा रहा ना, तो उसमें एक्यूरेटली आने के चांसेस रहेंगे। तो यहां से क्या हुआ, आईजी करंट एक पॉइंट मिला हमें डी, जहां पे करंट सो नो डिफ्लेक्शन। तो हमने क्या करा, आगे देखिए, ए से लेकर डी जहां पे हमने उसको लेंथ को माना एल और टोटल थी 100, तो 100 माइनस का एल, आर हमने मान रखा है पर यूनिट सेंटीमीटर, तो आर से एल को मल्टीप्लाई कर दिया, 100 माइनस एल को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल रेजिस्टेंस निकल गया। अब अप्लाई करा व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या लिखोगे यहां पे, लैंग्वेज अप्लाइंग व्हीटस्टोन ब्रिज, पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, वहां वैल्यू पुट करिए, यहां लिख देना भाई। इसके बाद में ये होने के बाद में यहां लिखेंगे अप्लाई व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, ठीक है भाई। तो अप्लाई व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल और वैल्यू पुट करनी और आपको आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये चीजें आ गई होंगी। अब देखो क्लास अगर मैं इसी में न्यूमेरिकल कराऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, कल जो क्लास आएगी इसको आज अच्छे से कवर करना, इसी दोनों के बेस पे जिसको हम बोल सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज, इन्हीं दोनों के बेस पे आपके कल आपको न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे। जिनको कोई भी डाउट है वो आप एक बार कमेंट करके बता देना, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो बता देना, ठीक है बेटा। और थोड़ा सा अब आपको मेहनत करनी है कल के लिए, न्यूमेरिकल तभी हो पाएंगे, जब अगर ये आएगा तभी न्यूमेरिकल आएंगे, पूरे IIT लेवल तक मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।